मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि एलजी ने दिल्ली के लिए क्या किया इस बारे में चर्चा हो, इनकी जवाबदेही हो, इनकी अकाउंटेबिलिटी हो। मेरी एक छोटी सी कोशिश रही, 1 घंटे में मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है अखबारों की अलग अलग खबरों से कि एलजी साहब का उन विषयों पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा जो संविधान ने उनको दिए। एलजी के पास संविधान के अंदर 3 मुख्य काम है दिल्ली के अंदर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। जमीन ज्यादातर सारी के सारी दिल्ली के अंदर एलजी की देखरेख में है, ज्यादातर जो डीडीए की जमीन है, डीडीए के वाइस चेयरमैन कहलाते हैं एलजी। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दोनों दिल्ली पुलिस के पास है, और इसकी भी जो पूरी जवाबदेही है दिल्ली पुलिस को, जो कंट्रोल करते हैं वो केंद्र सरकार के लिए एलजी करते हैं। एक चीज जो इन्होंने जबरदस्ती दिल्ली सरकार से छीनी है वो सर्विसेज है, इसका मतलब अफसरों की पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, उनकी भर्तियां कर्मचारियों की, वो सब जो है वो एलजी के पास है। आइए देखते हैं कि इन्होंने पिछले साल दिल्ली के लिए क्या किया। पहली चीज पुलिस के लिए लेते हैं, पुलिस का लेटेस्ट डेटा दिसंबर के अंदर आया है, एनसीआरबी का डेटा है, जिसमें एलजी साहब ने, चाहे ये हों या पुराने हों, उन्होंने दिल्ली को पहले पायदान पे क्राइम में स्थान दिलाया है। बड़ी अचीवमेंट है इनकी। दिल्ली देश के अंदर क्राइम रेट में, कॉग्निजेबल क्राइम रेट में 1222.5 है, जो कि जो अगला अगला शहर है उससे भी लगभग दुगने हैं। मतलब हमारे, हमने इतना कंपटीशन दे रखा है कि कई सालों तक हम पहले नंबर पे, पहले पायदान पे रहेंगे, और हमारा जो शेयर है करीब 38% 19 शहरों के अंदर सिर्फ दिल्ली का क्राइम है। मुबारक हो दिल्ली वालों को, मुबारक हो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसके लिए दिल्ली के अंदर बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे वो गुड़िया का हो, पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हुई। आज भी दिल्ली के अंदर 33% क्राइम जो है, सब जगहों में 33%, सिर्फ पूरे के पूरे में से 33% दिल्ली के हैं। मतलब 13,803 41,000 में से हमारे हैं, और मुंबई को हमने बहुत बुरी तरह से पीछे छोड़ा हुआ है। मुंबई हमारे अगले नंबर पे है, मगर हमारे पास जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है का डेटा है वो लगभग 3 गुना है। मतलब कई साल तक हम मुंबई को पछाड़ते रहेंगे और दिल्ली नंबर वन रहेगा। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एलजी का अभूतपूर्व है, मुबारक हो। और नेशनल एवरेज से भी हम काफी आगे हैं, नेशनल एवरेज 72.2 है और दिल्ली की जो एवरेज है वो 182.1 है, मतलब दुगने से भी ज्यादा है। फिर आते हैं हम किन किन जगहों पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को नंबर 1 दिलवाया है। किडनैपिंग अबडक्शन के अंदर दिल्ली नंबर 1 पे है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे भी हम नंबर 1 पे हैं, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बच्चों के खिलाफ टाइम क्राइम में हम नंबर 1 पे हैं, क्राइम्स कमिटेड बाय जुवेनाइल में हम नंबर 1 पे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर भी हम नंबर 1 पे हैं, काफी आगे हैं। यहां तक मर्डर के अंदर भी हम बहुत पीछे नहीं है, नंबर 5वें पे हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा दिल्ली पुलिस के अंदर एलजी साहब का। और जो पूरे क्राइम रेट्स हैं, क्राइम की जो संख्या है, रेप जो है दिल्ली के अंदर 1996 हुए हैं, मर्डर जो है वो काफी हुए हैं, डाउरी डेथ जो है 144 हुई है, एसिड अटैक जो है 18 हुए हैं, किडनैपिंग जो है 3,364 हुई है, आउटरेजिंग द मोडेस्टी 354 के अंदर केस दर्ज होता है, 3,746 है। काफी नाम कमाया दिल्ली के अंदर क्राइम में। और ये तो वो क्राइम है जिसके लिए कोई भी एलजी आए तो वो कह सकता है कि मैं रातों रात क्राइम कम नहीं कर सकता, दिल्ली पुलिस के लिए भी थोड़ी मुश्किल की बात है। मगर जो मूलभूत चीज है, दिल्ली पुलिस हर जगह ये कहती है कि हमार को क्राइम कर्म करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है, हमारे पास अधिकारी नहीं है, हमारे पास कांस्टेबल नहीं है। इसके अंदर लगातार दिल्ली हाई कोर्ट लताड़ लगा रहा है केंद्र सरकार को, और जो हमें करीब 14,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती चाहिए उसमें से एक भी भर्ती हम नहीं कर पाए हैं। फिलहाल 2 नवंबर 2017 को जस्टिस रविंद्र भट्ट और संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि केंद्र जो है सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है दिल्ली के साथ पुलिस की भर्तियों को लेके। इसमें भी एलजी साहब, जो कि केंद्र के नुमाइंदे होने के नाते दिल्ली के लिए कम से कम इन 14,000 लोगों की भर्तियां करा सकते थे, उनमें उन्होंने कुछ नहीं कराया है, ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगला रहा जमीन, जो लैंड जो है जो सीधा सीधा दिल्ली के अंदर एलजी के पास आती है, एलजी डीडीए के चेयरमैन है। डीडीए का एक मुख्य काम दिल्ली के अंदर ये था कि दिल्ली के अंदर लगभग 1/3 दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर बसी हुई, और इसका कारण ये रहा कि डीडीए पिछले 10 सालों में फेल रहा दिल्ली के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए। इस बार जो एलजी साहब आए,
उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा या नए एलजी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, वो ये रहा कि इस साल जब डीडीए ने फ्लैट्स निकाले तो 12,000 फ्लैटों के अंदर सिर्फ 5,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो डीडीए फ्लैट बनाता है वो निहायत ही घटिया होते हैं, छोटे होते हैं, उसके अंदर बेसिक सुविधाएं सड़क की, पानी की, सीवर की भी नहीं होती, और ये मुझे लगता है कि बहुत बहुत शर्म की बात थी डीडीए के लिए जिसके चेयरमैन एलजी साहब थे, और इसकी डेट इनको 15 दिन बढ़ानी पड़ी। और एक और रोचक खबर 20 दिसंबर 2017 की मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3,500 लोगों ने, जिनके फ्लैट निकल गए थे, वो बदकिस्मत लोगों ने अपने फ्लैट वापस कर दिए डीडीए को, सरेंडर कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि ये फ्लैट जो डीडीए ने बनाया है निहायत ही घटिया है। इसके बाद डीडीए की जो जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करते ताकि लोग अनऑथराइज कॉलोनीज में ना बसते, ताकि बिल्डर माफिया को फायदा ना होता, प्रॉपर्टी बूम के बावजूद भी डीडीए ने इन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को कोई अंजाम नहीं दिया। तीसरा बड़ा काम जो दिल्ली के अंदर है वो है अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, अधिकारियों के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और भर्तियां जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है। इसके सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि जुलाई 2017 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी साहब को एक खत लिखा जिसके अंदर उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर करीब 37,000 भर्तियां हैं जो स्थान खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, एमआरआई की मशीनें हैं मगर एमआरआई की मशीन चलाने वाले लोग नहीं है, सीटी स्कैन ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है, दवाइयां हैं मगर दवाई बांटने वाले फार्मासिस्ट नहीं है। और इसके अंदर जब जब चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया कि आप भर्तियां कब करेंगे, क्या आपका प्लान है, तो उन्होंने बताया कि एलजी साहब ने कहा है कि इस तरीके की फाइल किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को ना बताइए। मुख्यमंत्री ने एलजी साहब को कहा कि आप कम से कम प्लान तो बताइए कि आप ये 37,000 भर्तियां कब करेंगे और कैसे करेंगे। एलजी साहब ने कोई प्लान ना मुख्यमंत्री को दिया ना दिल्लीवासियों को दिया। ये खत है जो अगली बार 24 सितंबर को मुख्यमंत्री ने एलजी को लिखा है कि सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई के लिए स्टाफ नहीं है, फार्मेसिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आप इसकी भर्ती कीजिए। एलजी साहब ने मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी भर्ती की है। इसके बाद ये दो और मुख्य चीज मैं बताऊं कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उन्होंने एलजी साहब को कई बार मिन्नतें की हैं कि दिल्ली के स्कूलों के अंदर 15,000 से 17,000 टीचरों की कमी है, आप इनकी भर्ती कीजिए, इसकी वजह से दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम सफर कर रहा है, इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां तक कि एक और बड़ी रोचक बात आई है कि एलजी साहब अपनी मर्जी से अफसरों को छुट्टी पे भेज देते हैं, और जब मंत्री और मुख्यमंत्री दफ्तर आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे सेक्रेटरीज, मेरे डिप्टी सेक्रेटरीज को एलजी साहब ने छुट्टी पे भेज दिया। इसलिए 28 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री ने एलजी साहब को खत लेके बताया कि आपने सेक्रेटरीट के लगभग सभी बड़े अफसरों को छुट्टी पे भेज दिया, हम काम कैसे करें। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि एलजी दफ्तर एक इतना बड़ा दफ्तर है जिसको इतनी सारी पावर्स दे रखी है, मुझे लगता है विश्व में ये इकलौता ऐसा ऑफिस है जिसके पास पावर है मगर इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पत्रकार दोस्त जानते हैं कि वो भी अगर कॉपी लिखते हैं, खबर लिखते हैं, तो उनका एडिटर उसके अंदर कांटछाट करता है, उसके अंदर नुक्ताचीनी करता है, उसको रिजेक्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो जो खबर जाती है, वो जो अखबार छपता है, वो एडिटर की जवाबदेही होती है उसकी। मगर यहां पे जो एलजी साहब कांटछाट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, उनमें उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं दोबारा से निवेदन करना चाहूंगा इस परफॉर्मेंस की चर्चा के माध्यम से कि एलजी साहब उन कामों पे ध्यान दें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ही करने हैं। पुलिस का काम उनको ही करना और किसी को नहीं करना, डीडीए का काम सिर्फ उनको करना है और किसी को नहीं करना, सर्विसेज का काम सिर्फ उनको भर्तियां करनी है और किसी को नहीं करनी, ये काम करें, ये सीधा सीधा आपके अधीन है, जो काम चुनी हुई सरकार के हैं कृपया करके उनको वो काम करने दीजिए, और एक साल बाद तय करेंगे लोग कि आप दिल्ली की, दिल्ली पुलिस के अंदर आप क्या अभूतपूर्व काम कर पाए, आप सर्विसेज डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां कर पाए, आपने डीडीए के अंदर कितने चार चांद लगाए, या चुनी हुई सरकार ने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए। अंत में आपको दिल्ली की चुनी हुई सरकार को और दिल्ली के सब लोगों को नव वर्ष की 2018 की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।